केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल, फिनॉल के रासायनिक गुण। फिनॉल में टू टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है, दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। कैसे होती है तो उसके बारे में डिस्कस करो, उसके पहले बात कर लेते हैं हम लोग फिनॉल के स्ट्रक्चर के। हम कहते हैं फिनॉल जो होता है उसका फार्मूला C6H5OH होता है। तो दो तरीके की रिएक्शन, एक रिएक्शन तो होगी OH ग्रुप के कारण और दूसरी होगी इस बेंजीन रिंग के कारण। तो कुल मिलाकर फिनॉल दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को शो करता है, ठीक है। अब जितने भी केमिकल रिएक्शन हो, केमिकल रिएक्शन को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं उसकी हेडिंग है एसिलीकरण। पहली हेडिंग है एसिलीकरण। पहली हेडिंग है एसिलीकरण। एसिलाइजेशन। अब एसिलीकरण या एसिलाइजेशन में क्या होता है? ACEYLATION, एसिलाइजेशन। एसिलाइजेशन में क्या होगा? तो एसिलाइजेशन में एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी। किसके साथ रिएक्शन होगी? एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी। रिएक्शन को समझे, हमने लिखा C6H5OH, ठीक। अब एसिटिल क्लोराइड क्या होता है? तो एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH3CO Cl। तो हमने रिएक्शन करी ClCO CH3, यानी एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन होगी। जब एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन हुई तो हमें यहां पर दिख रहा है क्या रिएक्शन हो रही है, HCl बाहर निकल गया। रिएक्शन किसकी प्रोसेस में हुई? तो ये हुई है एक्वस NaOH, हिंदी में लिखना चाहो तो जलीय NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई। जो बचा उसको लिख दो, क्या बनता है, किसका फॉर्मेशन हुआ? तो C6H5OCOCH3 प्लस HCl। नाम है इसका फेनिल एसिटेट, फेनिल एसिटेट। इसका फॉर्मेशन हो जाता है फेनिल एसिटेट का। अब इस फेनिल एसिटेट में एक रिएक्शन और समझ रहा हूं, पहली रिएक्शन में चल रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं फ्राइज रीअरेंजमेंट की, FRIES। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो फ्राइज पुनर्विन्यास। अब इस फाइज पुनर्विन्यास में क्या होता है उसकी तरफ चलते हैं। फ्राइज पुनर्विन्यास में जो फेनिल एसिटेट है वो अपने पास जो ग्रुप है, देखो क्या है, इसे C6H5 लिख दिया, फिर O, फिर क्या है इसके पास में CO CH3। इसको हमने यहां पर एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ में हीट किया, गर्म किया। अब हम लोग जानते हैं कि इस बेंजीन रिंग में जितने भी कार्बन हैं, उन सब कार्बन पर क्या एक एक हाइड्रोजन होता है ना, बेंजीन रिंग में, फेनिल रिंग में सभी कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन है। अब हुआ क्या, इसका रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो रीअरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ, यहां से ये जो ग्रुप है पूरा COCH3 एक बार उतर आता है ऑर्थो पोजिशन पर, और ऑर्थो पोजिशन पर जो हाइड्रोजन है वो निकल के कहां चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास। तो यहां पर क्या क्या OH, यहां पर क्या क्या CO CH3। इसी तरीके से एक और प्रोडक्ट बन सकता है इसका, क्या, या तो ये बनेगा या फिर OH, और कहां ले गया मैं इसको, पेरा पोजिशन। ये ऑर्थो पोजिशन है और ये सामने की पोजिशन होगी तो पेरा पोजिशन। नाम है इसका ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, पहले वाले ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटो फिनोन, और दूसरे का क्या हो जाएगा, पेरा हाइड्रोक्सी एसिटो फिनोन। इस तरीके की यहां पर रिएक्शन हो जाती है।
नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चल रहे हम लोग। विलियमसन सिंथेसिस मेथड, सेकंड मेथड। है ना, विलियमसन सिंथेसिस मेथड, हिंदी में बोलते हैं इसको एल्कलीकरण। सेकंड है एल्कलीकरण, एल्काइलेशन, ALKYLKTIONE। इसको विलियमसन संश्लेषण विधि भी कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण विधि या विलियमसन सिंथेसिस मेथड। क्या होगा इस रिएक्शन में उसको भी समझ लेते हैं। पहले क्या करते हैं, देखो दो स्टेप में करवा रहा हूं। C6H5OH प्लस NaOH, ठीक है, ये एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का। यहां से क्या निकला, यहां से क्या निकला, क्या बना, C6H5ONa प्लस H2O, ठीक है। नाम हो गया इसका सोडियम फिनॉक्साइड, क्या नाम है इसका, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। आगे चलते हैं, इस सोडियम फिनॉक्साइड को वापस लेते हैं हम लोग और इसकी रिएक्शन सपोज हम BrCH3NaCH3Br के साथ कर दें। NaCl भी ले सकते हो, क्या बाहर निकला, NaBr, क्या बचा, C6H5OCH3 प्लस NaBr। C6H5OCH3 जो बना उसका नाम है फेनिल मेथिल ईथर, फेनिल मेथिल ईथर, फेनिल ग्रुप है, मेथिल ग्रुप है और ऑक्सीजन के कारण ईथर हो जाता है, फेनिल मेथिल ईथर, ठीक। थर्ड रिएक्शन क्लेजन सिंथेसिस या क्लेजन रिअरेंजमेंट, नेक्स्ट रिएक्शन क्लेजन पुनर्विन्यास। क्लेजन के अरेंजमेंट क्या होगा देखते हैं। लेजर रीअरेंजमेंट के पास जा रहा हूं मैं, क्या रिएक्शन होगी उसके बारे में बात करेंगे। मैं सबसे पहले कंपाउंड ले रहा हूं उसकी रिएक्शन कर रहा हूं, ठीक है। मैंने लिखा OH प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ऐसा कंपाउंड है, ठीक है। यहां पे क्या H, यहां से क्या निकला H, ठीक है। या तो ऐसा ले सकते हैं या इसको CH2Cl भी ले सकते हैं, दोनों भी सही है, आ रहा समझ में, कोई सा भी ले सकते। यहां से Cl निकाल के यहां से क्या निकाल दिया, माइनस क्या हो गया HCl, क्या बचा हुआ है, वहां बचा हुआ O, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, इसको एलिल एरिल ईथर बोलते हैं, एलिल एरिल ईथर। अब इसका रिअरेंजमेंट करना, ओ
CH2 CH डबल बॉन्ड CH। जैसे अभी हुआ था ना फ्राइज के अरेंजमेंट में, वैसे ये वैसे रिएक्शन हो जाएगी। क्या होगा देखते हैं। ये ग्रुप उठ के आया ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ हाइड्रोजन कहाँ चला गया ऑक्सीजन के पास में, ठीक है। यहाँ क्या गया OH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यह क्या बनेगा OH पेरा पर आ गया तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। और वो या पेरा पोजीशन पर ग्रुप आकर जुड़ जाता है, इसको हम लोग क्लेजन रीअरेंजमेंट कहते हैं, क्लेजन पुनर्विन्यास के नाम से जाना जाता है। अगली रिएक्शन होगी बूचर रिएक्शन। पढ़ रखिए बारहवीं में थी ट्वेल्थ में थी है। बूचर रिएक्शन में क्या होता है उसकी तरफ चलते हैं। बूचर रिएक्शन में जो OH ग्रुप है इसका फिनोल का OH ग्रुप NH2 ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। क्या कह रहे हम लोग OH ग्रुप NH2 ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है, इस रिएक्शन को हम लोग बूचर रिएक्शन बोलते हैं। बड़ी सरल सी रिएक्शन, क्या किया C6H5OH प्लस NH3 ऐसे लिख सकते हैं स्त्री को, ठीक लिख सकते हैं। किसकी प्रेजेंस में जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन होती है। वाटर मॉलिक्यूल यानी जलकण बाहर निकल गया C6H5NH2 बचा, क्या नाम है इसका एनिलीन। अगली रिएक्शन आपको याद है किसके साथ में PCl5 के साथ अभिक्रिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। क्या होगी रिएक्शन C6H5OH प्लस PCl5, ठीक है। बाहर कौन सा ग्रुप निकला OH, क्या बचा C6H5Cl, नाम क्या हो जाएगा क्लोरोबेंजीन प्लस, क्या बाहर निकला H4O POCl3 प्लस एस। नेक्स्ट रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ अभिक्रिया, सिक्स रिएक्शन। जिंक रज के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन इज जिंक डस्ट जिंक रज के साथ अभिक्रिया। बड़ी सरल सी रिएक्शन है, क्या है C6H5OH प्लस ZnO, जिंक क्या करेगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा, क्या बच जाता है C6H6 प्लस जिंक ऑक्साइड, क्या बन जाता है बेंजीन। नेक्स्ट सेवंथ रिएक्शन रिडक्शन अपचयन, सेवंथ रिएक्शन
रिडक्शन अपचयन क्या होगा? OH प्लस 3H2 रिडक्शन किसकी उपस्थिति में होता है? निकल 200 टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन। हाइड्रोजन कितने? 3H2, 3 × 2 = 6। करना कुछ नहीं, सभी कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन आपको रख देना है। जब आप एक एक हाइड्रोजन रखोगे तो डबल बॉन्ड क्या होगा, यहां से गायब हो जाएगा और ऐसा कंपाउंड होगा। क्या नाम इसका? साइक्लोहेक्सेनॉल। अभी फिनॉल नहीं रहा, साइक्लो रिसाइक्लिंग कंपाउंड है। कितने कार्बन है? 6। OH के कारण एल्कोहल हो गया तो साइक्लोहेक्सेनॉल ओ आ जाता है। अगली रिएक्शन एड्स रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। हिंदी में कहें युग्मन अभिक्रिया। कपलिंग रिएक्शन यानी कि युग्मन अभिक्रिया। क्या कर रहे हम लोग यहां पर? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल के साथ करेंगे। देखो सरल रिएक्शन है, एन डबल बॉन्ड एन सी एल प्लस एच OH। क्या बाहर निकला? दिख रहा है, जोड़ दो। कपलिंग युग्मन मतलब दो रिंग को क्या करें आपस में जोड़, कपल्ड करें। जब कपल्ड करेंगे जोड़ेंगे तो एन डबल बॉन्ड एन की फिर यहां पे OH। क्या नाम इसका? पेरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ये OH उसी पोजीशन पे इसके सामने, इसलिए पेरा HCl निकल गया ना बाहर, दिख रहा है पेरा हाइड्रोक्सी, इसके लिए पेरा पोजीशन है OH की, तो पेरा हाइड्रोक्सी। ये एजो ग्रुप है तो पेरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन नाम हो जाएगा। और ये ऑरेंज कलर का इसमें और भी रिएक्शन है बहुत सारी, ठीक है। अगले लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद में हम नाइट्रेशन पढ़ेंगे, इसके अंदर सल्फोनेशन हेलोजिनेशन कोल्बे-शिमर्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, गटरमैन सिंथेसिस पढ़ेंगे, हाउबेन-होश रिएक्शन है, लेडरमैन से रिएक्शन है, ठीक है ना, थेलिन रिएक्शन है, लिबरमैन नाइट्रोसोल जो ट्वेल्थ में थी लगभग वही रिएक्शन है, सब वही लोड के आगे बढ़। तो इसमें कुछ और रिएक्शन है, लगभग हम 8 रिएक्शन पढ़ चुके हैं आज, लगभग 8-9 रिएक्शन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, अगली क्लास में।